राजधानी भोपाल में शिवसेना के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। शिव सैनिकों का आरोप है कि राज्य सरकार ने नवरात्रि को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है वो हिंदू विरोधी है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पंडाल को सिर्फ 10 फीट का बनाने और दुर्गा प्रतिमा सिर्फ 6 फीट बिठाने की परमिशन क्यों दी गई है, जबकि राजनीतिक दलों को बड़ी रैलियां करने की इजाजत है। शिव सैनिकों ने गाइडलाइंस में बदलाव न करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके साथ ही शिव सैनिकों ने किसानों को फसल बीमा राशि देने और अतिथि शिक्षकों को नियमित करने जैसी मांगे सरकार से की है। आज शिवसेना भोपाल द्वारा विधानसभा का घेराव किया जा रहा है, जिसमें हमारी मांगे हैं कि जो दुर्गा उत्सव को लेके जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको शिवसेना विरोध कर दिया था, और माँ भवानी का अपमान हम नहीं सहेंगे कि माँ भवानी में कोई विसर्जन करने जाएगा तो सिर्फ 10 लोग जाएंगे, पंडाल रहेगा तो सिर्फ 10x10 करेगा। शिवराज जी कौन है? अपने आप को हिंदू सरकार बताते हैं, हिंदू समर्थक सरकार बताते।